नमस्कार मित्रों, आप जुड़े आरसी मीडिया फेसबुक पेज पे। अभी हम लोग एरिया में मौजूद है और टंकी से आगे जो मस्जिद है, मस्जिद के पास में आप देख सकते हैं ये जो खान है, हालांकि पिछले साल भी गिर गई थी और अब खान के गिरने के अंदेशे के कारण यहाँ के जो कुछ मार्बल गोदामों के लोग हैं उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है। अभी अभी तकरीबन 10-10:15 का टाइम है, लोग यहाँ पे मौजूद है और रास्ता दोनों साइड से आप देख सकते हैं बंद हो चुका है। और हालांकि प्रशासन का अभी कोई आदमी, प्रशासनिक तौर पे यहाँ कोई आदमी अभी मौजूद नहीं है, जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। अंकल जी, राम राम। कई कारणों बंद कर रहे हो? अजी वो खतरो कर दियो ना, मांगे तो डस्कार पाप ही काट दियो सगड़ो खरा कहीं अपने। अच्छा, तो लारली साल गई साल ही गिर गई, रेस भी और गिरी जा या तो मतलब आज तो काल से के लाना है जकीन खोद रही के माए फूक गया तो डब्बे तो आ दी को नहीं तो कहीं करा बन जीव तरा को तो माने मरनो पड़ी। अच्छा, बात है साहब, भी करनो बंद करियो। हाँ, और कहीं करा तो भूखा मरता करा कहीं, बाकी तो दुकान अड़ी बंद हो जाए इधर करा कहीं। अच्छा, तुम गोदाम मोटर सारी? हाँ, वही गोदाम अपनो। अच्छा, वही गोदाम। हाँ, अब पूरा के सगड़ा के लिए परेशानी है, समझ लियो। मैं तो प्रशासन ने कियो कोने की भाई, काल एडीएम साहब आया खुद भी कियो भाई, काल तुमको समाधान करा, अब आज आलाया कोनी को, यही वास्ते आ बात है। आप देख सकते हैं लोगों में इस बात को नाराजगी है कि ये खान कहीं ना कहीं ड्रेनेज के कंगार पे है और ये ड्रेनेज के कारण आसपास के मार्बल जो व्यवसायी है उनके भी व्यवसाय पे असर पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की उसको चेतावनी देने के बावजूद और उनके आश्वासन के बावजूद अभी तक यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई लोग प्रशासन के मौजूद नहीं है।